बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतार कर विपक्ष का चुनावी समीकरण बिगाड़ने और अपने उम्मीदवार की जीत तय करने की रणनीति अपनाई है। इस आदिवासी महिला को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाकर बीजेपी विपक्ष के इलेक्टोरल कॉलेज में सेंध मारकर उसके वोटों को बिखेरने की चालाकी कर रही है। इसका कारण खोजना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की हैं, ऐसे में ओडिया राष्ट्रवाद की बात करने वाले बीजू जनता दल के लिए उनका विरोध करना बेहद मुश्किल भरा काम होगा। ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक न खुद गए न किसी को भेजा। उसी समय से ये लगने लगा था कि बीजू जनता दल जानबूझकर राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी से दूरी बना रहा है। हालांकि उस समय तक द्रौपदी मुर्मू का नाम तय नहीं हुआ था, लेकिन उनके नाम की शुभवाहट थी। अब नवीन पटनायक के लिए ओडिशा की इस बेटी का समर्थन करना मजबूरी है। इसी तरह विपक्ष के झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी बीजेपी ने संकट खड़ा कर दिया है। आदिवासी पहचान की राजनीति करने वाले इस दल के लिए सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला का विरोध करना भयानक राजनीतिक जोखिम होगा। यदि बीजू जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं तो बीजेपी के इस उम्मीदवार की जीत लगभग तय है। इसी तरह बीजेपी विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी कर अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने में कामयाब होगी और विपक्ष देखता रह जाएगा। बीजेपी को यह रणनीति इसलिए अपनानी पड़ी क्योंकि उसके पास राष्ट्रपति चुनाव जीतने लायक पूरे वोट नहीं है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष वोटिंग से होता है, जिसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति चुनता है। इसमें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इस बार के इलेक्टोरल कॉलेज में 4,809 सदस्य हैं। इनमें राज्यसभा के 233, लोकसभा के 543 और विधानसभाओं के 4,033 हैं। वोटिंग के दौरान हर संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य की वोट की वैल्यू होती है। इस बार हर संसद सदस्य के हर वोट की कीमत 703 की गई है। हर राज्य के विधानसभा सदस्यों की वोटों की कीमत उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर है। जैसे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा सदस्य के वोट का वेटेज 208 है, जबकि मिजोरम में सिर्फ 8 और तमिलनाडु में 176। विधानसभा सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 5,45,231 है। संसद के कुल सदस्यों के वोटों का वेटेज 5,47,200 है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल सभी सदस्यों को वोटों का कुल वेटेज 10,86,431 है। माना जाता है कि 10,86,431 वेटेज वाले इलेक्टोरल कॉलेज में बीजेपी और उसके साथी दलों के पास 50% से कम वोट है और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए उन्हें वाईएसआर कांग्रेस और बीजेपी जैसे दलों की जरूरत होगी। आंकड़ों के मुताबिक 48% इलेक्टोरल कॉलेज एनडीए के पास है, 38% कॉलेज वोट यूपीए के साथ है, 44% के करीब जगन रेड्डी की पार्टी बीजेपी टीएमसी और लेफ्ट के साथ है, 52% इलेक्टोरल वोट विपक्ष के पास है। आंकड़ों के मुताबिक 48% इलेक्टोरल कॉलेज वोट एनडीए के साथ है, 38% कॉलेज वोट यूपीए के साथ है, 14% के करीब जगन रेड्डी की पार्टी बीजेपी टीएमसी और लेफ्ट के साथ है, 52% इलेक्टोरल कॉलेज वोट विपक्ष के पास है, लेकिन बीजू जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट नहीं डालने से कम हो जाएगा और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में उतने ही वोट बढ़ जाएंगे। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू की जीत आसान हो जाएगी।